स्टूडेंट्स, मैं नितिन कुमार गुप्ता, HOD साइंस, निशान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एक बार फिर निशान वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो के अंदर हमने बायो के चैप्टर नंबर 1 के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज मैं आपको केमिस्ट्री 10वीं क्लास हिंदी मीडियम का 5वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है, ये देखें आपको स्टूडेंट्स वीडियो में नज़र आ रहा है, दैनिक जीवन में रसायन। और इसमें से 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, जैसे इस चैप्टर के अंदर पहले अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया गया है। अम्ल का मतलब होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार का मतलब होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनता है। आप देखिए, कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में बताया गया है, जैसे अपने दैनिक जीवन से संबंधित मैटर है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल होता है, लाल चींटी का डंक जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। आप आगे चलिए, ये देखिए लवण के बारे में बताया गया है, अम्ल और क्षार के परस्पर मिलने से लवण और जल बनता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर लवण में एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको नज़र आएगी, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल का मतलब होता है कि किसी भी लवण के इकाई सूत्र के अंदर जितने भी जल के अणु होते हैं उसे अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे फिटकरी में दिखाया गया है आपको, फिटकरी के अंदर 24 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। उसके बाद देखिए, अम्ल, क्षार और लवण की 3 परिभाषाएं हैं। ऑरेनियस संकल्पना पहली है, जिसे अभी 10वीं क्लास के पेपर में भी पूछा गया था 2020 की परीक्षा में। उसके बाद आप देखें, ये दूसरी परिकल्पना बॉन्स्टेंट-लोरी संकल्पना है, नज़र आ रही है विद्यार्थियों आपको, बॉन्स्टेंट-लोरी संकल्पना है। उसके बाद तीसरी परिकल्पना देखिए आप, अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर के अंदर अम्ल के सामान्य गुणों के बारे में बताया गया है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल को नीला करते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये जो चित्र आपको नज़र आ रहा है विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट डायग्राम है कि इसे पिछले 3 सालों से लगातार राजस्थान बोर्ड की 10वीं क्लास में पूछा गया है। इस साल भी आया है 2020 की परीक्षा के अंदर, जिसमें फटफट की ध्वनि से ये हाइड्रोजन गैस निकलती हुई आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आप देखिए, इसके अंदर जैसे अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल देते हैं, ठीक है। क्षार को देखो, क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल देते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी नज़र आ रही है, आप देखिए पीएच स्केल जो होता है, ये H+ आयनों की सांद्रता का मापन करता है। ये हमें ये बताता है कि किसी भी विलयन को कितना अम्लीय और कितना क्षारीय माना जाता है। और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बताऊं, उदासीन जो विलयन होता है अथवा शुद्ध जल जो होता है, उसकी pH का मान 7 होता है। ध्यान रहे, अगर pH का मान 7 से कम है तो वो विलयन आपका अम्लीय होगा, और अगर pH का मान 7 से अधिक है तो वो विलयन आपका क्षारीय होगा। कहने का मतलब ये है कि pH को 7, 14 और 0 के मध्य रखा गया है। ये देखे आपको नज़र भी आ रहा है, 0 से 7 अम्लीय है और 7 से 14 आपका क्षारीय है। इसके बाद देखें आप दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में pH का महत्व आपको नज़र आ रहा है, उदर में अम्लीयता, उसके बाद दंतक्षय, कीटों का डंक, अम्लीय वर्षा और मृदा की pH। आपको पता होना चाहिए, जब अपन ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ये देखो, तो हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभिप्राय एंटासिड को काम में लिया जाता है। दांतों को भी गिरने के लिए रोकता है। जैसे मान लीजिए, कभी कभी अपन भोजन करने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करें, तो उस स्थिति में हमारे दांतों के अंदर भी अम्लीयता हो जाती है, और जिससे हमारे दांत टूटकर नीचे गिरने लग जाते हैं।
आपको पता होना चाहिए, जैसे चींटी अपने को काटती है, मधुमक्खी अपने को काटती है, तो ये हमारे शरीर के अंदर अम्ल प्रवेश कराती है और इन्हीं अम्लों की वजह से हमारे शरीर में जलन पैदा होती है और उसी को दूर करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा से संबंधित जानकारी है, अम्लीय वर्षा भी खेती के लिए आवश्यक होती है और खास तौर से खतरनाक भी होती है कुछ स्थिति में। उसके बाद कुछ यौगिकों के बारे में बताया गया है, जैसे देखें आप, सोडियम क्लोराइड पहला यौगिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा यौगिक है, उसके बाद और आगे अपन चलें तो विरंजक चूर्ण तीसरा यौगिक है, उसके बाद बेकिंग सोडा जिसे अपन मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं वो चौथा यौगिक है, उसके बाद धावन सोडा जिसको कपड़े धोने का पाउडर भी बोला जाता है, वॉशिंग पाउडर, ये आपका जो है पांचवा यौगिक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, सभी वाली बात ही परिचित होंगे आप, जिसको शरीर की हड्डी टूट जाने पर उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए उसका प्लास्टर चढ़ाया जाता है। उसके बाद और आगे अपन चलें तो अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड मैटर के रूप में साबुन, देखें आप, साबुन और अपमार्जक सभी जानते हैं आप, साबुन मतलब सोप, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। ध्यान रहे, अपमार्जक का उपयोग साबुन की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। उसका कारण है क्योंकि अपमार्जक उदासीन प्रकृति का होता है जो हमारे कपड़ों और त्वचा को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि साबुन का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है जो हमारे कपड़ों और त्वचा दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रखें, जब अपन साबुन का उपयोग करके कपड़ों को धोते हैं तो मिसेल बनता है, मिसेल जो कि साबुन जल और तेल के साथ क्रिया करके बनाता है। ये देखिए, ये मिसेल दिखाई दे रहा है आपको, जल और तेल के साथ जब भी साबुन की क्रिया होती है तो मिसेल का निर्माण होता है, और मिसेल का ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये मिसेल का इस प्रकार का डायग्राम, ये चित्र को 2016 की परीक्षा में एक नंबर का पूछा गया था 10वीं क्लास के अंदर, मिसेल संरचना, और मिसेल बाद में उसे पानी डालकर अलग करके कपड़ों की गंदगी को दूर किया जाता है। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों, अपन ने केमिस्ट्री के टोटल 10वीं क्लास के सिलेबस में 4 चैप्टर हैं और उसमें से अपन ने जो है 5वें चैप्टर का डिस्कस किया निशान वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर, और मैं सभी का, आप लोगों का इसमें जो है एक प्रकार से आप इनको अगर ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो लॉकडाउन में भी आपको कुछ जानकारियाँ विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से मिलती रहेगी। आगे भी मैं आपका इस प्रकार से वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा, आपको वास्तव में विज्ञान के बारे में जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।